हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है हमारा डे थ्री और ये डे थ्री का मॉर्निंग वीडियो है। और डे थ्री में हमने जो है सुबह ब्रेकफास्ट जो है होटल से ही जो हम लोग करके गए थे। मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था और ब्रेड बटर लिया था और इन दोनों ने ब्रेड ऑमलेट लिया था और साथ में 2 कप चाय। चाय और नाश्ता करके हम लोग जो है आज हमने जो है जो पैकेज टूर होता है वो हमने बुक किया था। हमें कुछ 1000 रुपीज़ का हमें पड़ा था, जिसमें हमें 12 पॉइंट्स हमें दिखाए जाएंगे, जिसमें से जो पहला पॉइंट था वो था आपका नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट। और ये देखिए, ये रास्ते में जो है आपको ये लेक आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है हमेशा की तरह। और यहाँ पे आप स्नो व्यू पॉइंट में जाओगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवेंचर, आपको गेम मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिलेगा। अब वो बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए, हम दोनों करवा सकते हैं। हमने रोपवे हमने नहीं लिया था क्योंकि ऐसा कह रहे थे कि अगर हम रोपवे लेते तो ये सब जो एडवेंचर, ये जो ट्रिप है ये हम नहीं कर पाते। तो पर वहाँ पर जाने के बाद हमें ऐसा नहीं लगा कि जो रोपवे लेते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं। एनीवेज़ तो हमें रोपवे लेने का इतना खास मन था भी नहीं, तो हमने जो है सीधे हमने कैब लिया। और यहाँ आप जैसे नीचे जाओगे ना लेक के पास, वहाँ पे आपको टैक्सी, वहाँ पे आपको ढेरों मिल जाएंगी। और रास्ते जो थे बहुत ही अच्छे थे, घुमावदार भी थे, पर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। जैसे डे वन में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, पर आज जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं हुई। नज़ारों का मज़ा लेते हुए कैसे हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स स्नो व्यू पॉइंट। वहाँ पे आप अगर रोपवे वाले अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डायनासोर हाउस है, उसके लिए आपको एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फ्री रहता है क्योंकि वो रोपवे के टिकट के साथ ही इंक्लूड रहता है। तो चूँकि हम लोगों ने रोपवे नहीं लिया था, इस वजह से उसके लिए हमें चार्ज करना पड़ता। और हमने वो डायनासोर हाउस हम लोग नहीं गए थे, उसके अलावा वहाँ पे और अदर्स जो भी एडवेंचर था वो सब हमने लिया। और ये देखिए, बात करते करते हम लोग व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको कश्मीरी शॉल जो है उसके आपको हैंडक्राफ्ट के आइटम्स भी है। ये है स्नो व्यू पॉइंट। और यहाँ पे आगे जाके जिस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, वही है मेनली स्नो व्यू पॉइंट, जो कि आपको यहाँ से पूरे नैनीताल का व्यू आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग जो पहाड़ी ड्रेस पहन के अगर आप फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हैं वो भी करवा सकते ले सकते हैं, बच्चे बड़े सबके लिए है ये। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं और यहाँ पे एक विंड चाइम की दुकान थी, वो दुकान बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये देखिए, सामने ही लगे हुए हैं। तो ये था वो विंड चाइम की आवाज़, तो जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ है, पर यहाँ पे कोई था नहीं गाइड करने के लिए, तो हमने भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और यहाँ पे यही है वो आपका व्यू पॉइंट, जिसी के बारे में जो बोर्ड में लगा हुआ था स्नो व्यू पॉइंट, ये वही है बेसिकली। यहाँ पे बस ये छोटे मोटे वुलंस की जो है ये दुकानें लगी हुई हैं, दैट्स इट यहाँ पे। और एज सच इस साइड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो है नेक्स्ट दूसरे साइड जो जहाँ पे हमारी कार पार्क हुई थी वहाँ पे आपको, वहाँ से आपको एडवेंचर के लिए आपको गेम्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ गेम्स है बच्चों के लिए, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी खेल सकते हैं। यहाँ जहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हुई है, इस जगह से होते हुए सीधे अगर आप लोग जाएंगे, यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है। और बाहर में भी जो है कुछ गेम्स के लिए जो है दुकानें लगी हुई है। इस रास्ते से बिल्कुल सीधे आप जाओगे ना तो आपको यहीं पे आपका एडवेंचर पार्क है। ये है वो डायनासोर पार्क, एक्सट्रीम लाइफ डायनासोर इनसाइड। और इसका टिकट जो है ये सामने है टिकट काउंटर। और इसके प्राइजेस जो है यहाँ पे मैंने फ़ोटो मैंने इसका लगा दिया है, 60 रुपीज़ पर पर्सन ये रहा। पर हम लोग यहाँ नहीं गए थे, हम लोग यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हुए, और ये सामने ही जो है आपका हैंडलूम हाउस है, जहाँ पे कश्मीरी जो शॉल वगैरह है वो सब यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पश्मीना शॉल वगैरह भी यहाँ पे
अवेलेबल, अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है तो जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल सीधे अंदर चले गए थे और ये है सारी जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके प्राइस। वीडियो पॉज करके आप इसे देख लें। और ये रहा जिप लाइनिंग, हमने यहाँ पे जिप लाइन किया था और आपका गो कटिंग किया था। स्ट्राइकिंग कार हमने नहीं किया था क्योंकि सिर्फ दो ही जने थे तो कोई फ़ायदा नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को टक्कर नहीं मारते। और यहाँ पे हम दोनों चढ़ चुके हैं और अपने अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। ऊपर एक्चुअली कोई भी नहीं था, फिर हमने जो है बुलाया और यहाँ तक जो है ये जिप लाइनिंग है और लंबा है, कम बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है पर हाँ है, करने के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हमने जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे आपका नैनीताल का 360 व्यू दिखाने के लिए भी एक और राइड था। ये देखिए ये जो आदमी चढ़ रहा है ना, यही हमें अभी ये हेलमेट और जो वायर वगैरह है वो सब केबल जो है वो हमें लगाएंगे और साथ ही जो है इंस्ट्रक्शन भी दे देंगे कि आपको किस तरह से बैठना है, आपके लेग्स किस तरह से घुमाएगा, एंगल में होना चाहिए। और ये है वो 360 को नैनीताल की पूरी 360 डिग्री आपको दिखाएगा। यहाँ पे एक राउंड सा एक राइड के जैसा है और ये हमने नहीं किया था। और ये रही मैं, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा रहा। और इसके बाद जो है, और जब ये ब्रेक जब मारता ना उस टाइम पे ये बहुत तेज़ झटका देता है, उस टाइम पे जो है आपको अपने मतलब बहुत अच्छे से कस के टाइट से आपको पकड़े रखना है। नेक्स्ट है अब रिशा की बारी और ये रही रिशा, ये गेट खोल दिया है और ये रही रिशा आ रही है। एक्चुअली हम दोनों के टर्न में ना बीच में काफ़ी गैप था तो मतलब सफिशियंट टाइम है। और नीचे देखिए गो कटिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप लोग भी अगर करना चाहते हैं, इस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, डेफिनेटली जाइए करिए। और ये गो कटिंग करते हुए और ये 360 डिग्री व्यू है, वो देखिए वो घूम रहा है, वो 360 डिग्री व्यू। ये 360 व्यू हमने नहीं किया क्योंकि वो देख के इतना डर लग रहा था, इतना टॉप में जाके और फिर आपको गोल घुमा के जो है पूरा 360 व्यू आपको पूरा नैनीताल का दिखाएंगे, तो वो हमने स्किप भी कर दिया, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ पे गो कटिंग का जो प्राइस था वो 350 था डबल अगर लेते हैं तो। और यहाँ पे इसका टोटल जो है 5 आपका राउंड था। ऋषा ने कहा कि मैं चलाऊँगी, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठूँगी, तो मैंने बोला कि चलो अब वो ऋषा ड्राइव करेगी और मैं यहाँ पे चुपचाप बैठी रहूँगी। और ये गाड़ी हमारी चल पड़ी है जो फर्स्ट टाइम, चूँकि ये हम दोनों का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ऋषा जब ड्राइव कर रही थी तो टर्निंग टाइम पे जो है हम जाके अटक गए थे, बट फिर उसके बाद जो ऋषा ने जब चलाना शुरू किया ना वो बहुत मस्त चला रही थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे आप हमने गो कटिंग के अंदर हमने एंट्री लिया, उसके बाद ही जो है उन्होंने हमें शावर कैप दिया, कहाँ बालों को अच्छे से जो है आप टाई कर लो, बाल बिल्कुल भी खुले नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने बाल अपने पहले सबसे पहले पूरे कवर किए, फिर उन्होंने जो है ये हेलमेट दिया, हेलमेट भी प्रॉपरली जो है उन्होंने अच्छे से उसे लगाया और उसके बाद ही जो उन्होंने हमें बिठाया। और बिठाने के बाद पीछे भी इनका जो ये इंजन है इसे छूने से मना किया क्योंकि ये इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से जो है इसे छूना मना था। तो वो गो कटिंग और वहाँ पे जो भी एडवेंचर था वो हमने कर लिया। वो करने के बाद हम सीधे चले गए हैं आपके हिमालयन पॉइंट में। यहाँ से जो पंचचुल्ली जो पर्वत है वो आपको यहाँ से क्लियरली आपको विजिबल होता है। हम लोग जब गए थे तब उस टाइम पर थोड़ा सा क्लाउड था, थोड़ा सा ब्लर हमने देखा था, पर वहाँ पे दो तरह के टेलीस्कोप आपके रखे हुए हैं। एक का प्राइस है 50 रुपीज़ पर हेड और दूसरे का प्राइस है 100 रुपीज़ पर हेड। तो हमने जो है 100 रुपीज़ वाला लिया था, ऋषा ने और मेरे हस्बैंड ने, उससे व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। यहाँ पे मैंने कैमरे में मेरे से जितना कैप्चर हो पाया है पंचचुल्ली माउंटेन पर्वत वो मैंने जो है इस वीडियो में मैं डाल दूँगी। अगर थोड़ा सा विजिबल हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं था, पर जितना हो सका है वो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी।
ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज ही वो पंचचुल्ली है। ये यहाँ पे पांच पर्वतों का जो जो पिक है, वो पिक आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं ये। इंडिया का 10th हाइस्ट पीक है वापन ऑफ शिवा बोला जाता है, 720 मीटर इसका, और ये जोशीमठ वैली ऑफ फ्लावर ये सब इसके बेस में पड़ता है। ये पंचाचूली माउंटेन है, इसका मैथोलॉजी है कि जब पांच पांडव स्वर्गवास के लिए गए थे ना, तो स्टेप बाय स्टेप सब मरते गए। पहले ऐसे पांडव थे जो जिंदा हेवन पहुंचे थे, इसी के बाद उन्हें हेवन की सीढ़ियां मिली थी, स्वर्ग जाने का रास्ता बोलते हैं, इसी के बाद वो स्वर्ग रोनी सतो बन गए, और इसी के पीछे कैलाश है। जैसे कैलाश की जो यात्रा होती है ना, थ्री कंट्रीज होती है, पहला होती है चाइना, इंडिया और रामनगर। जैसे आप ये देख रहे हो ना, वो दिख रहा है, वो पांच पहाड़ है, पांचों पहाड़ों इसके पीछे चला है। ये लोग एक एक माउंटेन पीक की जितनी भी हिस्ट्री है, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, वो सब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, साथ में इसके बारे में बताते भी हैं। तो यहाँ पे मैं सबका तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऋषा का ये भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये भी उसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसे माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उसको कुछ नया उसको जानने को देखने को मिला, जो कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनफैक्ट रानीखेत भी कहते हैं कि अगर आप टेलीस्कोप से अगर आप रानीखेत के एरिया को देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ऋषा के बाद मेरे हस्बैंड गए थे देखने के लिए, और उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, और उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट था वो हम लोग देखने चले गए थे, जो कि था आपका टिफिन टॉप। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब, उसके यहाँ से जाने के बाद फिर इन्होंने हमें यहाँ पे एक व्यू दिखाने के लिए हमें रोका था। ये था आपका नैनीताल लेक का, ये पूरे लेक का जो व्यू है वो इसी जगह से आपको दिखता है, ये ऐसा इनका कहना था। और जगह जैसी भी हो, पॉइंट हो चाहे ना हो, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, और ये पूरा लेक जो है आपको यहीं से दिखता है, इस पार से उस पार आपको पूरा व्यू जो है यहाँ से दिखता है। फिर यहाँ पर भी जो है हमने थोड़ी देर यहाँ पर फ़ोटो सेशन किया। एक्चुअली यहाँ पर आप जहाँ कहीं भी रुक जाओ तो पहाड़ों का नज़ारा जो होता है वो हर जगह से, हर एंगल से अच्छा ही होता है, अच्छा ही लगता है। और ये आगे हमारी जो है कैब खड़ी है, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया, फिर ये व्यू देखते हुए फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए, जो कि टिफ़िन टॉप था। और फिर वहाँ टिफ़िन टॉप में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और वो जगह जो था वहाँ पे आपका एक लवर्स पॉइंट है, और फिर उसके बाद जो है आपका एक पिकनिक स्पॉट भी है, बेसिकली वो पिकनिक स्पॉट है। पूरा जो है जो रेंज है वो बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके अंदर से होते हुए जो है आपको पूरा व्यू मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा था। थोड़ी दूर आगे जाते ही जो है ड्राइवर भाई साहब ने गाड़ी फिर से रोक दी, और कहा कि ये आगे जो है एक सूखा लेक है, जो कि ये मैनमेड लेक है, और इसे अभी इस पे काम अभी और चल रहा है। यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, एक बेसिकली जो लेक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है सूख चुका है,
और इसको इस पे अभी जो है काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये है आपका सूखा, ये सूखा ही रहता है ये, नहीं 6 महीने सूखा रहता है, 6 महीने बरस है। बरसात के समय में जब पानी होता है ना इसके अंदर, उस समय सारे मकान वगैरह डूब जाते हैं, पूरे में पानी रहता है। लेफ्ट साइड में जितने घर देख रहे हैं ना आप लोग, सारों में पानी रहता है बरसात के टाइम पे। जो पहाड़ों का पानी आता है ना बरसात में, तल ड्राई ले, 6 महीने सूखा रहता है, 6 महीने भरा रहता है। अच्छा, अभी क्या है ना सर, अभी अब यहाँ पे जो काम चल रहा है आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं पूरा नीचे, लेक के अंदर ही रहेगा पानी। यहाँ से आगे जाते हुए जो हमें रास्ते में ये ठंडी गुफा मिली थी, यहाँ पे देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको फील करना है, जो कि हमने आते टाइम पे हमने ठंडी गुफा हमने देखी थी। और ये है सामने आपका 12 खंबा, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो इन पॉइंट में थे, ये भी एक पॉइंट था जो ठंडी गुफा है वो बहुत ही अच्छा था, एक बार आप लोग ज़रूर जाके उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। बहुत अंदर ना एक गुफा है, बहुत छोटी सी गुफा है जहाँ से बिल्कुल बर्फीली हवा आती है, तो वो बस आपको वहाँ पे चढ़ के जो है उस जगह उसको आपको फील करना होता है। और ये हम आ गए हैं ये लवर्स पॉइंट पे। यहाँ से जो है आपको टिफिन टॉप के लिए आपको घोड़ा मिल जाएगा, और इसका जो प्राइस जो था वो 2000 समथिंग कुछ का लगा था, 800 रुपये पर हेड था। तो हमने तीनों ही जो है हमने घोड़ा किया था यहाँ से। और यहाँ पे छोटी मोटी चाय की दुकान और खाने पीने की दुकान आपको इस तरह से मिल जाएगी। यहाँ से लवर्स पॉइंट है, इस रास्ते से बिल्कुल नीचे जाते हुए लवर्स पॉइंट है, वो बस ऐसे ही एक नाम दे दिया है, जो कि आपको हर एक हिल स्टेशन में लवर्स पॉइंट, हनीमून पॉइंट, सुइसाइड पॉइंट, सनसेट सनराइज पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे घोड़ों का जो है अस्तबल है, और ये यहाँ पे छोटी मोटी आपको वुलन्स की यहाँ पे दुकानें वगैरह मिल जाएंगी। और ये जो यहाँ से जाके जो व्यू है, ये व्यू बहुत ही अच्छा था, पर मैं बताऊँ कि आप लोग मास्क पहन के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे घोड़े की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये है वो व्यू पॉइंट जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये है वो लास्ट एंड पॉइंट जहाँ तक हमें जाना है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। रास्ता जो था वो बहुत ही उबड़ खाबड़ था और बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे। तो आप लोग अगर यहाँ पे, अगर आप लोग कोई भी टूर पैकेज लेते हैं इस तरह के व्यू पॉइंट्स के, 12 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट, 8 पॉइंट, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग स्पोर्ट्स शू पहन के आए और किसी भी तरह का कोई फैंसी शूज़ ना पहन के आए। अभी हम लोग हॉर्स घोड़ा पे जाके हम चढ़ के हम लोग यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं डिफरेंट टॉप में वो करने जा रहे हैं। 770 पर हेड चार्ज है, बड़ों का बच्चों का सबका, मतलब फिक्स प्राइस है पर हेड। ये है रास्ता, ये है घोड़े, फिर आपको घुमा के यहीं पे आके छोड़ देंगे। कुछ 1.5 घंटे का जो है टोटल टाइम लगता है, कम ज़्यादा हो सकता है वो आपके ऊपर है, आप जितना टाइम लोगे उसके ऊपर है। घोड़ा करने के बाद का जो है ये हमारा खुरपा ताल, ये हमारा पहला पॉइंट था। यहाँ से भी जिप लाइनिंग की हमें यहाँ पे केबल तो दिख रही थी, पर जिप लाइनिंग करते हुए हमें कोई नज़र नहीं आया। और मैं यहाँ पे रेकमेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मेजर तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा। ये है वो खुरपा ताल और ये था पहला पॉइंट। इसके अलावा और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको इस हॉर्स राइडिंग के दौरान आपको ये लोग दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और टिफिन टॉप के ये अदर पॉइंट्स के साथ मैं आप सबके साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और आपको ये नैनीताल के वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएँ।